Assalamu alaikum. I am very thankful to Dr. Biswaroop Roy Chaudhary for sharing such a nice recipes which helps to cure lifestyle disease. आज मैं आपको नट्टी स्प्रॉट बनाना बताऊंगी। हरी मून में विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर्स पाया जाता है। हरी मून के इस्तेमाल से जिस्मानी और दिमागी कमजोरी को दूर करता है। जो लोग कमजोर हो चुके हैं उन्हें हरी मून का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आई साइट भी बेहतर होती है और बीपी भी कंट्रोल में रहता है। नट्टी स्प्रॉट के लिए मैंने यहाँ काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता ली हूँ जिसे मैंने रात में भिगोकर रखा था, और हरी मून जिसे मैंने इसके स्प्रॉट निकाल कर रखे हैं, मूंगफली इसे मैंने सोक करके इसके स्प्रॉट निकाल कर रखे हैं, एक कटोरी कच्चा नारियल जिसे मैंने कद्दूकस करके रखा है, लेमन एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू ओवर टेस्ट। आप चाहो तो देसी चना या काबुली चना के भी स्प्रॉट्स निकालकर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बॉल में हरी मून के स्प्रॉट्स ली हूं, मूंगफली इसके मैंने स्प्रॉट्स निकाले हैं, इसे भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। कच्चा नारियल जिसे कद्दूकस किया हुआ था इसे भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से। अभी जो ड्राई फ्रूट जिसे हमने सोक करके रखा था, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, इन सबको भी इसी में ऐड कर लीजिए। अभी नींबू थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू ओवर टेस्ट, और आप चाहो तो इसमें सॉल्ट, काली मिर्च और चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इससे कि ये और भी टेस्टी और चटपटा हो जाएगा। आप अपने डेली रूटीन में ये डिश एक बार जरूर ट्राई करिए। स्प्रॉट के बहुत सारे फायदे हैं, इससे डाइजेशन ठीक रहता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक करता है। ये एक सुपर फूड है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। स्प्रॉट के लिए आप हरी मून, देसी चना, काबुली चना, गेहूं और मूंगफली का भी स्प्रॉट निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।